हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एचआर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 8 का जो लेट्स रीड मोर कंपैरिजंस में लेट्स रीड मोर का जो यूनिट देख रहे हैं उसमें यूनिट नंबर 2 पीटर द हीटर के बारे में समझेंगे। पाठ की शुरुआत करते हैं। वंश मोटू गोज टू अ डॉक्टर एंड कंप्लेंट्स दैट ही हैज स्टोमेज। द डॉक्टर इंक्वायर्स ऑफ हिम। एक बार मोटू डॉक्टर के पास जाता है और कंप्लेंट्स करता है, फरियाद करता है दैट ही हैज स्टोमेज कि उसको पेट में दर्द है, पेन इन स्टोमेज यानी कि पेट में दर्द है। द डॉक्टर इंक्वायर्स ऑफ हिम, डॉक्टर उसको पूछते हैं, उसकी पूछपरछ करते हैं। डॉक्टर पूछते हैं पहले, हेलो मोटू, हाउ आर यू। नमस्कार मोटू, कैसे हो। मोटू, नॉट सो वेल सर, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ सर। डॉक्टर, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू मोटू, तारी साथ शू खोटू सॉरी तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मोटू मोटू कहता है, सर आई हैव अ सेवर स्टोमेज यानी कि मुझे काफ़ी जोरों से पेट में दर्द है। सेवर एट वेरी मच एक्सट्रीम, वधु पड़तो। डॉक्टर, व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट, એટલે કે તે ગઈ રાત્રિએ તુમને પિછલી શામ કો રાત કો ક્યા ખાયા થા। મોટું, સર આઈ ટુક ઓનલી 3 સેન્ડવિચ, સર મેને સિર્ફ 3 સેન્ડવિચ ખાએ થે। ડોક્ટર, એટ વોટ ટાઈમ, કોણ સે સમય પર। ડોક્ટર મોટું કહેતા હૈ, એટ 10 o'clock, 10 બજે। ડોક્ટર પૂછતે હૈ, વાય સો લેટ, इतनी देरी से क्यों। मोटू कहता है, बिकॉज देर वेर सम गेस्ट एट होम, क्योंकि देर वेर वहाँ पर घर पे सम गेस्ट कुछ मेहमान थे एट होम घर पर, एंड माय मदर और मेरी मम्मी ने प्रीपेड तैयार किया था डोसा तैयार किया था फर्स्ट फॉर देम, उनके लिए पहले उनके लिए डोसा तैयार किया था। डॉक्टर, डू यू ईट एनी डोसा, क्या तुमने कोई डोसा खाया था। मोटू, सर आई डोंट लाइक डोसा, सर मुझे डोसा पसंद नहीं है खाने में, ज़्यादा भाता नहीं है, मच सो आई टुक ओनली 2 डोसा, इसलिए मैंने सिर्फ 2 डोसा ही लिए थे। डॉक्टर, बट इफ़ यू डोंट लाइक डोसा, लेकिन अगर तुम्हें डोसा पसंद नहीं है, वाई डिड यू ईट 2 डोसा, तो तुमने 2 डोसे क्यों खाए। मोटू, सर आई डिड सो, सर मैंने ऐसा किया क्योंकि आई हैड टेकन ओनली 1 पिज़्ज़ा, मैंने सिर्फ 1 पिज़्ज़ा लिया था। व्हेन, जब वी ऑल हैड स्नैक्स, जब हम सब नाश्ता कर रहे थे इन द गार्डन, बगीचे में, सर आई डिड सो बिकॉज आई हैड टेकन ओनली 1 पिज़्ज़ा व्हेन वी ऑल हैड स्नैक्स इन द गार्डन। जब हम शाम को 7 PM जब हम शाम को 7 बजे बगीचे में नाश्ता कर रहे थे, तब मैंने सिर्फ 1 पिज़्ज़ा ही लिया था। एंड सो आई वॉज वेरी हंग्री, इसलिए मैं काफ़ी भूखा हुआ था यानी कि मुझे काफ़ी भूख लगी थी। डॉक्टर पूछते हैं, व्हाट हैड यू टेकन 1 पिज़्ज़ा बिफोर यू एट डोसा, क्या तुमने 1 पिज़्ज़ा खाया था डोसा खाने से पहले। मोटू कहता है, हाँ सर। उसके बाद डॉक्टर पूछते हैं, सो यू एट 1 पिज़्ज़ा, 2 डोसा एंड 3 सैंडविच राइट। तो यू एट 1 पिज़्ज़ा, तो तुमने 1 पिज़्ज़ा, 2 डोसे और 3 सैंडविच खाए, सही है। मोटू कहता है, हाँ सर, यस सर। डॉक्टर, देन योर स्टोमेज इज नेचुरल, तो फिर तुम्हारा जो स्टोमेज यानी कि पेट दर्द है वो स्वाभाविक है। मोटू, बट सर, लेकिन सर, आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग आफ्टर टेकिंग अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क विद ब्रेड एंड बटर दिस मॉर्निंग। लेकिन सर, आई हैव नॉट टेक एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं लिया है आफ्टर ट्रेकिंग लेने के बाद, अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क
दूध से भरा हुआ ग्लास विथ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर के साथ दूध से भरा हुआ ग्लास लिया है दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने दूध से भरा हुआ ग्लास ब्रेड और बटर के साथ लिया है। वो लेने के बाद मैंने कुछ नहीं लिया है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं मिल्क विथ ब्रेड एंड बटर, ओ मोटू आई विल गो मैड, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहते हैं डॉक्टर, दूध से दूध के साथ ब्रेड और बटर, अरे मोटू आई विल गो मैड, मैं पागल हो जाऊंगा। एंड हिट यू, और मैं तुम्हें मारूंगा। इफ़ यू स्पीक, अगर तुमने कुछ बोला, एनीथिंग नाउ, अब तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें मारूंगा। टेक दिस मेडिसिन, इस दवा को लो, समथिंग वी ड्रिंक और इट व्हेन सिक, जब हम बीमार होते हैं तब कुछ खाते पीते हैं वो। एंड गो अवे, और जाओ। क्या डॉक्टर ने कहा कि अब तुमने अगर कुछ बोला तो मैं तुम्हें मारूंगा, ये दवाई लो और यहाँ से जाओ। मोटू कहता है थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर शुड आई ईट एनीथिंग बिफोर आई टेक दिस मेडिसिन, सर ये दवाई खाने से पहले क्या मुझे मैं कुछ खा सकता हूँ, विल इट बी हार्मफुल इफ आई टेक इट ऑन हंग्री स्टोमच, विल बी हार्मफुल, क्या ये नुकसान करेगा इफ आई टेक, अगर मैं उसको लूँ ऑन हंग्री स्टोमच, भूखे पेट में अगर उसको लूँ तो वो कुछ नुकसानकारक रहेगा। डॉक्टर लुक्स एट मोटू एंग्रीली, डॉक्टर मोटू के सामने गुस्से से देखते हैं। एंड मोटू क्विकली, क्विकली मीन्स फास्ट स्विफ्टली रैपिडली, यानी कि तेजी से गोज आउट ऑफ द रूम, रूम से निकल जाता है। तो इस तरह यह पार्ट पूर्ण होता है। एक्सरसाइज देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, ए कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। पहला है आई हैड खालजगिया हेडेच यस्टरडे इन द आफ्टरनून, इसमें काउंस में से तीसरा शब्द जो सेवा है वो आएगा। उसके बाद आई विजिटेड अ यज्ञ इन द मॉर्निंग, द ब्राह्मण वेर खालजगिया, तो इसमें भी लास्ट वाला जो शब्द है मंत्रस वाला, मंत्र का उच्चार कर रहा था वो वाला। उसके बाद डोंट खालजगिया योर टाइम अदरवाइज यू कैन प्रोग्रेस इन अ लाइफ, इसमें भी तीसरा शब्द वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, आप अपना समय मत बिगाड़ो, अदरवाइज नहीं तो यू कैन प्रोग्रेस इन लाइफ, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओ। चौथा डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज खाली जगिया मैन हु रॉट मैनी बुक्स, लर्न मैन यानी कि पढ़ा को इंसान थे कि जिसने कई सारी बुकें लिखी थी। बी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगिया भरनी है। द डॉक्टर टॉक्स विथ मोटू एट हिज हॉस्पिटल, उस अपने हॉस्पिटल पर। मोटू हैड स्टोमच बिकॉज ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से। ए मोटू इज अ खाली जगह पैसन केयरलेस, सी मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स मोटू एट ऑन दैट डे, उस दिन मोटू ने क्या क्या खाया था उसकी लिस्ट बनानी है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा, उसके बाद डोसा, उसके बाद सैंडविच, रबर और सुबह मिल्क और ब्रेड बटर। पांचवा मेक लिस्ट ऑफ योर फाइव फेवरेट एडेबल्स, आपको जो खाने में पसंद है उसकी पांच, आपकी मनपसंद की दर पांच चीज़ें के बारे में आपको लिस्ट बनानी है। ओके पांच चीज़ें लिखनी है। तो इस तरह पार्ट नंबर जो 2 है हमारा पीटर द ईटर वो यहाँ पर पूर्ण होता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 3 के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर।